हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य एवं अखिल भारतीय मानव सेवा आश्रम की ओर से क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में लगे इस 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। बाजार में जहां बंगाली साड़ियां महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, वहीं गढ़वाली टोपी युवाओं और पुरुषों की पहली पसंद है। खरीदारों की भीड़ से हस्तशिल्पियों के चेहरे खिल उठे हैं। गढ़वाली टोपी बेचने आए क्राफ्ट बाजार में राजकुमार ने बताया कि मैं हरिद्वार जिले के रुड़की से आया हुआ हूं और हल्द्वानी में मैंने अपनी दुकान लगाई हुई है, जहां गढ़वाली टोपी लोगों को खूब पसंद आ रही है। करीब एक दिन में मेरी 50 से 60 टोपियां बिक जा रही हैं और यह सारी टोपियां हमने खुद बनाई हैं। एक बार में हम 50 से 60 टोपियां बना लेते हैं और हम जगह जगह भारत सरकार के हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय द्वारा लगाए गए मेले में अपनी दुकान लगाया करते हैं। इससे पहले हम देहरादून में क्राफ्ट बाजार में अपनी दुकान लगाई थी और आज हम हल्द्वानी में अपनी दुकान लगा रहे हैं। साथ ही हमको लोगों का भी खूब प्यार मिलता है और सरकार से भी हमें पूरा सहयोग दिया जाता है और हमारी गढ़वाली टोपी भी अब लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। सर, मेरा नाम राजकुमार है। मैं रुड़की के पास रानी का लंढोरा पड़ता है, वहाँ से मैं आया हुआ हूँ और ये अपने हाथ से मैं ये टोपी तैयार करता हूँ। पहले फर्स्ट में क्या है, हमारा खड्डी से हम जो है कपड़ा तैयार करते हैं, फिर उस कपड़े को कच्चा तैयार करने के बाद उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के बाद में तब हम इसकी कटिंग करने के बाद तब इसको हम ये जो है इसको बनाते हैं। इसकी लेस अपने हाथ से तैयार करते हैं, ये काफ़ी टाइम में हमारा लग जाता है। एक बार लेस बनाने में हम 50-60 टोपी तैयार कर लेते हैं और इससे हमारा कारोबार भी अच्छा चल रहा है और ये हमारे गढ़वाल को भी बहुत काफ़ी पसंद आ रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं और जगह जगह ये हमारे मेले लगाते हैं, हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारा सामान खूब बिकता है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये टोपी हमारे प्रधानमंत्री जी जो पूरे भारत को चला रहे हैं उनको ये भेंट की थी और तब से ये भेंट की थी उन्होंने उसी समय ये टोपी का इतना क्रेज हो गया कि हमारे पास अब बनाने की फुर्सत नहीं है। इतनी ये टोपी हमारे गढ़वाल भाइयों को बड़ी ही पसंद आ रही है। वहीं बंगाल की साड़ियां भी हल्द्वानी के क्राफ्ट बाजार में सजी हुई हैं, जो महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं। दुकानदार आकाश दास ने बताया कि यह साड़ियां सभी हाथ से बनाई जाती हैं, इसलिए महिलाओं को बेहद पसंद आती हैं और हल्द्वानी में भी इन साड़ियों की क्राफ्ट बाजार में खूब डिमांड है। खासकर महिलाएं सिल्का साड़ियां खूब पसंद कर रही हैं। मेरा नाम तो पहला बात आकाश दास है, हम पश्चिम बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से है। बाकी सारी साड़ियां तो हैंडलूम की बनी हुई सारी हाथ से, और हल्द्वानी में ये साड़ी का थोड़ा डिमांड है। खास करके सिल्क का भी जो नया निकला है साड़ी, कुछ डिज़ाइन प्रिंट्स भी निकले हैं, मोगा सिल्क में, प्योर सिल्क में, लीलन पे है, कॉटन पे, और भी बहुत सारे कॉटन बेस में है। अभी नए कुछ दुपट्टे आए हैं और जैसे काता वर्क हमारी स्पेशलिटी है, लीलन की साड़ी हमारी स्पेशलिटी है। बाकी ये तो स्पेशलिटी है, बाकी अभी नया जो सिल्क पे आया है ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है अभी डिमांड। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।